हेलो, स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन से। ठीक है, तो मैं माइग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार डिवाइस करा दूँ ज़रा थोड़ा सा। अभी हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन चार्ट बना लेना उसके उसी टॉपिक पे आपको। ठीक है, माइग्रेशन जो आपने पढ़ा था। ठीक है, माइग्रेशन एक चीज़ होती है माइग्रेशन। ठीक है, अब माइग्रेशन के ना टाइप्स होते हैं। माइग्रेशन के हो सकते हैं दो तरीके के हो सकते हैं आपके। ठीक है, जैसे कि जिन्हें आप बोल सकते हो, पहला कहाँ गए? ये रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारी? हो रही है। ठीक है, इंटरनेशनल। ठीक, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, ये काफ़ हो सकता है डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक 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 में भी आपको कुछ टाइप से, डोमेस्टिक में भी आपको क्या हो सकता है? रूरल टू अर्बन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो सकता है। अरे आपका अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल में भी आपका क्या है? मीनिंग एक ही है, टाइप तो उसमें आपको डिफरेंट कर रहा हूँ। इंटरनेशनल में आपको क्या हो सकता है? आप स्मॉल डिस्टेंस वाली कंट्रीज में भी जा सकते हो। स्मॉल डिस्टेंस वाली कंट्रीज में भी आप जा सकते हो। ठीक है, आप बहुत दूर वाली जगह कंट्रीज में भी जा सकते हो, फार डिस्टेंस वाली कंट्रीज में भी जा सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस वाली कंट्रीज में भी जा सकते हो। तो ये बेसिकली चार था एक तरह समरी। आपके मेनली दो तरीके के माइग्रेशन होते हैं, पहला डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मतलब क्या? आप अपने विद इन कंट्री या विद इन अपनी बाउंड्रीज आप क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। इंटरनेशनल मतलब क्या? आप आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, आउटसाइड ऑफ योर कंट्री आप मूवमेंट कर रहे हो, आप अपने बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हो। आप अपने बॉर्डर को क्या कर रहे हो? क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, या फिर आप इसको और भी वो और डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक तो ही हो गया, इसको और आप डिफाइन कर सकते हो इसको कि किसको टाइप्स ऑफ माइग्रेशन डिफाइन, मैंने है ना, इसको और डिफाइन कर सकते हो। सर, कोई किसी को इमिग्रेशन बोलता है, जो वेलकमिंग कंट्री होती है वो इमिग्रेशन बोलती है, और जहाँ से आप जा रहे हो उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका चार्ट अप कंप्लीट है। ठीक है, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, ऐसे आपने कर लिया होगा। अब हम आते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब क्या? उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट ही बोल रहा है ये बेसिकली। इम्पैक्ट प्रभाव, प्रभाव क्या पड़ता है इसका माइग्रेशन? माइग्रेशन कैसे होता कैसे? माइग्रेशन कैसे होता क्या है? तो सर, माइग्रेशन कैसे होता कैसे? होता तो बहुत कुछ है।
बहुत कुछ। अच्छा सर, बहुत कुछ होता है? हाँ बहुत कुछ। बहुत कुछ में मतलब क्या सर? कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। क्या सर? अच्छा भी होता है बुरा भी होता है? हाँ अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। वो कैसे? वो कैसे? तो उसके लिए मैं आपको बुक की एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? बाद में, अभी तो पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? माइग्रेशन इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस सोसाइटी। वो कह रहे हैं माइग्रेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी अच्छे और बुरे दोनों तरह से इफेक्ट पड़ता है। दोनों तरह से इफेक्ट पड़ता है सर। किस चीज़ पर प्रभाव इफेक्ट पड़ता है? सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पे, सोसाइटी के सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन बिटवीन द यूएस मैक्सिको बॉर्डर। सर कुछ लोग यूएस और मैक्सिको का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जो यूएस के लोग मैक्सिको जाते हैं, मैक्सिको के लोग यूएस जाते हैं, तो लोगों के बीच में जो माइग्रेशन होता है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? इन दिस लोकेशन लार्ज नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट एक्टिविटी टेक्स प्लेस। वो कह रहे हैं ये जो लोकेशन है ना, लोकेशन कौन सी लोकेशन है? जो बॉर्डर वाली लोकेशन है, यूएस और मैक्सिको का जो बॉर्डर है, वहाँ पे ना बहुत इलीगल एक्टिविटीज होती है। इलीगल एक्टिविटीज मतलब क्या? जिसको लॉ मना करता है, जिसको लॉ मना करता है। तो कौन मना करता है? कानून। जिसको रूल्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गलत है करना, ठीक है? वहाँ पर ऐसे काम होते हैं। और सब काम कौन करता है? ये इमिग्रेंट्स ही करते हैं। वहाँ बहुत सारी इलीगल इमिग्रेंट एक्टिविटी होती है। समझे नहीं सर? समझे नहीं तो कोई बात नहीं, इसको मैं समझू। आगे समझो, आगे समझो कैसे अच्छा होता है कैसे बुरा होता है। वो कह रहे हैं एज मोर एंड मोर इमिग्रेंट्स एंटर द कंट्री, जैसे बाहर जितने ज़्यादा बाहर के लोग अंदर आएंगे, जितने ज़्यादा बाहर के लोग हमारे कंट्री में आएंगे, लेस जॉब्स आर ओपन टू अमेरिकन सिटीजंस। सर मैक्सिको से जितने ज़्यादा लोग आएंगे यूएस में, तो सर जॉब तो मैक्सिको के लोग करते रहेंगे, फिर यूएस के लोगों के लिए जॉब ही नहीं रहेगी। यूएस के लोगों के लिए जॉब नहीं रहेगी, तो अच्छा है गलत है अमेरिका के लिए? अमेरिका में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, अमेरिका में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। और सर इमिग्रेंट्स आ रहे थे, इमिग्रेंट्स आए क्यों रहे हैं? जिसके जॉब के लिए। अब वो जॉब करेंगे तो आपके यहाँ के लोगों के लिए जॉब कम नहीं हो पाएगी? जॉब तो लिमिटेड है ना, जॉब तो लिमिटेड है। जॉब थोड़ी भरती जाती है डेली, मतलब बहुत सारी थोड़ी भरती हैं डेली। जॉब तो लिमिटेड है, तो आपके यहाँ के लोगों के लिए जॉब कम नहीं पड़ गई अगर बाहर के लोग आ गए तो? हाँ सर पड़ गई। तो ये क्या है, बैड साइड है अच्छी साइड है? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव, ठीक है। बट इसको दूसरे तरीके से देखो, बट इफ वी एनालाइज ऑन द अदर साइड, वी फाइंड दैट इमिग्रेशन कैन बी बेनिफिशियल टू अ कंट्री। ऑल दो इमिग्रेशन हैव अराइव्ड अनडॉक्यूमेंटेड इनटू इमिग्रेशन हैव अराइव्ड अनडॉक्यूमेंटेड इनटू द यूएस, दे आर कंट्रीब्यूटिंग द लेबर एंड हार्ड वर्क टुवर्ड्स द यूएस इकोनॉमी। ठीक है सर, वो लोग हमारे कंट्री में आ गए, काम करने लगे, हमारे लोगों के लिए काम नहीं बचा, हमारे लोगों के लिए जॉब नहीं बचे, ठीक है? हाँ, यूएस के लोगों के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए जॉब नहीं बचे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो लोग काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, किसका फ़ायदा होगा काम को करने से? तो कहाँ काम करेंगे? अमेरिका में सर, अमेरिका में काम करेंगे, ठीक है। किसके लिए काम करेंगे सर? अमेरिकन कंपनी के लिए काम करेंगे। उससे क्या होगा? उससे सर अमेरिका स्ट्रांग बनेगा। तो अगर एक काम करके अमेरिका को सर्विस दे रहे हैं, तो बेनिफिट किसको होगा? अमेरिका को ही तो हो रहा है, अमेरिका को ही तो हो रहा है। यानी कि एक तरफ हमारा नुकसान हो रहा है कि हमारे यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिली, और दूसरी जगह ये लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करते रहे हैं, जो हमको उनकी मेहनत मिल रही है, जिस वजह से हमारे कंट्री में पैसा जनरेट करेंगे, हमारी कंट्री पैसे लिए बन जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये, तो इस तरह से अगर आप देखो तो आप समझ पाओगे कि ये माइग्रेशन, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। देयर फॉर द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स में समटाइम्स गिव अ बूस्ट टू द इकोनॉमी। इसलिए कभी कभी बहुत सारे वर्कर्स क्या करते हैं, एक टाइम पे इकोनॉमी को बूस्ट दे सकते हैं। बूस्ट मतलब क्या? बहुत जल्दी ग्रोथ दे सकते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। दे में कंटिन्यू इन द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट। अब वो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं अपनी क्रिएटिविटी को, अपने काम को कि वो क्या करें, वहाँ पर सिटीज़ वगैरह डेवलप करते रहें, और क्या कहते हैं, कस्टमर और अलग अलग चीज़ क्रिएट करते रहें। सम ऑफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन डेस्टिनेशन कंट्रीज आर एज फॉलोज। वो कह रहा है डेस्टिनेशन कंट्रीज में कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इमिग्रेशन के।
सब क्या होते हैं। अभी पढ़े थे ना, एक एग्जाम्पल तो पढ़ा ही था, अभी एक एग्जाम पढ़ा था, अभी और बता रहा है यहाँ पे। तो बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट क्या है, चीप लेबर। सब बाहर के लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, बाहर के लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बेसिकली क्योंकि उनको उनकी जगह पे काम नहीं मिल रहा, उनको उनकी जगह पे काम नहीं मिल रहा। वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर रहने के लिए, उन्हें खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, और खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पैसे खरीदने के लिए उनको काम नहीं मिल रहा, पैसे कमाने के लिए उनको काम नहीं मिल रहा। ठीक है, स्टोरी को याद रखना, तब तक मैं चार्जर लगाता हूँ, स्टोरी भूल मत जाना। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि अब बाहर के लोग जो आ रहे हैं, हम मैक्सिको की बात करते हैं, तो मैक्सिको के लोग अगर, ताकि लोग मेहनत क्यों जाने, ताकि लोग मेहनत क्यों जाने, ताकि लोग मेहनत क्यों जाने, ताकि लोग खाने पीने के लिए खाना मिल सके, रहने के लिए जगह मिल सके, काम करने के लिए जॉब मिल सके। ठीक है, तो यानी कि वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कंट्री में जॉब नहीं है, उनकी कंट्री में जॉब नहीं है, इसलिए तो वो आ रहे हैं। तभी तो वो अमेरिका जा रहे हैं। तो अमेरिका वाले जहाँ अपने यहाँ के वर्कर्स को 100 रुपये देते थे काम करने के लिए, अगर वो इनको 50 रुपये भी दें, इनको इनको मैक्सिको वाले को, मैक्सिको वाले लोगों को, तो क्या वो काम करेंगे? नहीं करेंगे 50 रुपये में, आप बताओ। तो अपने यहाँ के लोगों को वो 100 रुपये देते हैं काम कराने के लिए, अब वो लेकिन मैक्सिको वाले लोगों को अगर 50 रुपये देते हैं, तो क्या मैक्सिको वाले लोग काम करेंगे? नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हाँ। उनको यहाँ पर कम से कम 50 रुपये तो मिल रहे हैं, उनकी कंट्री में तो उनको 0 भी नहीं मिल रहा था, उनकी कंट्री में तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, उनकी कंट्री में तो बेचारे भूखे मर रहे थे, यहाँ पर आकर एटलीस्ट 50 रुपये तो मिल रहे हैं। तो एक तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो एमिग्रेंट्स हैं, ये जो एमिग्रेंट्स हैं बेसिकली, इनको तो रहने के लिए खाना मिल गया, ये इनका बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन हमें इन एमिग्रेंट्स के बेनिफिट बताना है, या फिर आपको बेनिफिट बताना है डेस्टिनेशन कंट्री का, डेस्टिनेशन कंट्री का, डेस्टिनेशन कंट्री मतलब जहाँ पर लोग जाते हैं। तो उन लोगों को जहाँ पर लोग गए हैं, यानी यूएस गए, अमेरिका गए, तो अमेरिका को क्या फ़ायदा है? अमेरिका को ये फ़ायदा होगा, जहाँ अमेरिका वालों को काम कराने के लिए अपने लोगों को 100 रुपये देने पड़ते थे, आज इनको 100 रुपये नहीं देने पड़ रहे, इनको कितने रुपये देने पड़ रहे हैं? जस्ट 50 रुपये, जस्ट 50 रुपये, जस्ट 50 रुपीज़। सर कहाँ पहले 100 रुपये दे देते थे, 50 रुपीज़ दे रहे हैं, तो इनका पैसा सेव हुआ नहीं हुआ? बेनिफिट आया नहीं है, पैसा बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट क्या है, इनको चीप लेबर, इनको क्या मिलती है? चीप लेबर मिलती है। ठीक है, अभी अंदर क्या लिखा है, अंदर पढ़ लेंगे, ऊपर पढ़ते हैं स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर कभी कभी क्या होता है बाहर से, कभी कभी क्या होता है बाहर से ना, हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग आ जाते हैं, कभी कभी हमारे पास क्या बाहर से बहुत टैलेंटेड लोग आ जाते हैं। सर सपोज करो, सर टैलेंटेड लोग आ जाते हैं, मतलब क्या, थोड़ा एग्जांपल चेंज करते हैं। सपोज करो हमने इंडिया में रहता हूँ, एक एक कंट्री है इंडिया, एक कंट्री है यूएस अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका के, अब हम दूसरे लोग अमेरिका नहीं आ रहे, अमेरिका के लोग इंडिया में आ रहे हैं, अमेरिका के लोग इंडिया में आ रहे हैं, तो डेस्टिनेशन कंट्री कौन सी हुई? इंडिया हुई, जहाँ पर लोग आते हैं वहाँ पर उसको डेस्टिनेशन कंट्री बोलते हैं। तो अमेरिका के लोग इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, तो डेस्टिनेशन कंट्री को इंडिया, तो इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों को हिंदी ही आती है, इंग्लिश आती नहीं है अच्छे से। ठीक है, लेकिन इन लोगों को ऐसे लोग चाहिए, इन लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो कुछ आता क्या नहीं आता, इंग्लिश बोलना आती हो। मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरी कंपनी है, मेरे को ऐसे लोग चाहिए जिनको इंग्लिश बोलना आती हो, उन्हें कोई और काम आता हो क्या? नहीं आता हो, डेंट मेटर उनको क्या नहीं था, उनको एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आनी चाहिए वो क्या? इंग्लिश। तो यू जो अमेरिका के जो लोग आएंगे, अमेरिका के जो लोग आएंगे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका के लोगों को इंग्लिश आती होगी? नहीं आती होगी सर, अमेरिका के लोगों को इंग्लिश ही नहीं आएगी तो क्या आएगा, इंग्लिश तो आती होगी ना। तो कभी कभी हमें स्किल्ड लेबर मिल जाती है, कभी कभी हमें क्या हो जाती है, एक मैंने इधर एक ईजी लैंग्वेज है आपको समझाने के लिए, ये कभी कभी हमें चीप तो मिल जाती है, चीप के साथ 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 कभी हमें अपने जरूरत की, अपनी जरूरत की, इसकी जरूरत हो, हमें तो जरूरतमंद स्किल्ड लेबर ही मिल जाती है। ठीक है, अंदर का पढ़ाई पढ़ लेंगे।
कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब क्या? तीन पॉइंट दिए मैंने। हाँ, कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब क्या है? अब चालू कर दे। ठीक है। ठीक है। हाँ चुप जा, मैं अभी चालू कर लूंगा, मैं अभी चालू कर लूंगा। ठीक है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे बेन, डाइवर्सिटी कैसे बेनिफिट होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी से कैसे बेनिफिट होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी से बेनिफिट कैसे होगी तो बात करते हैं, समझो कल्चरल डाइवर्सिटी होता क्या है। चुप हो जा अभी। कल्चरल डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब क्या? डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस। डाइवर्सिटी मतलब क्या? डिफरेंस। एक आपको डिफरेंस मिलेगा, एक आपको डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस सीखने के लिए। सर क्या डिफरेंस मिलेगा सीखने के लिए? कल्चर। एक आपको डिफरेंट कल्चर सीखने को मिलेगा। डिफरेंट कल्चर सीखने को मिलेगा मतलब क्या? आप इंडिया में रहते हो तो आपके यहाँ पे अमेरिका के लोग आ रहे हैं, आपके यहाँ पे कौन से लोग आ रहे हैं? अमेरिका के। आप इंडिया में लोगों का रहने सहने का तरीका अलग है, बात करने का तरीका अलग है, खाने पीने का तरीका अलग है, सारी चीज़ें क्या हैं? बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल ही क्या हैं? अलग हैं। ठीक है, अमेरिका के जो लोग आएंगे उनके खाने पीने का, बात करने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, सारी चीज़ें क्या होंगी? अलग होंगी। सारी चीज़ें क्या होंगी? अलग होंगी। अब वो आपके यहाँ पर आते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप उनसे उनकी चीज़ें सीखो, सीख पाओगे, नई चीज़ें सीख पाओगे, आया ना? तो जब कोई, जब बाहर के लोग आपके यहाँ पर आते हैं तो आपको क्या सीखने को मिलता है? आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आपको उनसे उनकी उनके यहाँ की चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये तीन तरह के बेनिफिट एक होते हैं डेस्टिनेशन कंट्रीज को। ठीक है, बुक से पढ़ लेते हैं। तो पहला कह रहा है चीप लेबर। चीप लेबर मतलब कि माइग्रेंट जनरली डू मेनी अनस्किल्ड जॉब एट लो वेजेस। कभी कभी अनस्किल्ड लोग होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत चीप रेट पर, बहुत लो वेजेस पर। वेजेस मतलब क्या? सैलरी। वेजेस मतलब सैलरी, लो सैलरी पर काम करते हैं। दस इसी प्रकार देयर विल बी चीप लेबर अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो उनको काफ़ी चीप लेबर मिल जाती है और वो उनसे कुछ भी काम करा सकते हैं। ठीक है, स्किल्ड लेबर कभी कभी कुछ इमिग्रेंट्स के होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू द नॉलेज एंड प्रोडक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सब लोग हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। और कुछ नहीं लिखा हुआ। कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब क्या? इमिग्रेंट्स प्रोवाइड डाइवर्सिटी एट मैनी प्लेसेस। दिस हेल्प्स पीपल लर्न अबाउट अदर वेज ऑफ लाइफ। वो कह रहे हैं कि हमें अलग अलग चीज़ें सीखने की मिल सीखने को मिल सकती हैं। दे कम टू नो वॉट गोज इन गोजन इन अदर प्लेसेज। हमको पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, दिस हेल्प्स पीपल टू अप्रिसिएट ह्यूमैनिटी बेटर। और इस तरह से हम इंसानों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि ये एक इंसान इस चीज़ को कैसे करता है, कोई किसी काम को अलग तरीके से करता है, कोई किसी काम को अलग तरीके से करता है। जब हमें सारे सारे तरीके बताओगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे उस चीज़ को, तो बेटर समझने में हेल्प करता है। तो ये चौथी चीज़ होगी एडवांटेजेस। अब लॉस क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं डेस्टिनेशन कंट्री को, डेस्टिनेशन कंट्री के नुकसान क्या है, ये तो फायदे फायदे थे, नुकसान क्या होते हैं? तो पहला नुकसान क्या लिखा है? जॉब लॉस। अभी ऊपर पढ़ाई था हमने जॉब लॉस, कि बाहर के लोग आ गए, बाहर के लोग भी जॉब करने लगे, हमारे यहाँ के लोगों के लिए तो जॉब ही नहीं बची। पहला डर तो ये, पहला खतरा तो ये। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म। सपोज करो कंट्री है साउथ अफ्रीका और कंट्री है अमेरिका। साउथ अफ्रीका के लोग अमेरिका में जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के लोग अमेरिका में जा रहे हैं, यानी अमेरिका क्या है? भी डेस्टिनेशन कंट्री है। और साउथ अफ्रीका के लोग अगर वहाँ पे जाके काम करेंगे तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका के जो वाइट लोग होते हैं उन ब्लैक लोग को परेशान करेंगे, उनको चढ़ाएंगे, ह्यूमिलेट करेंगे, बुली करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ प्रॉब्लम देगी, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ क्या है? गलत है। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम होगी जिसको बोलते हैं रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, है ना? उनमें डिफरेंस वगैरह होगा, ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, दूसरा सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर, सोशल प्रेशर क्या? सपोज करो आप ये साउथ अफ्रीका वाले ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपकी कंट्री अमेरिका है, ठीक है, आपके यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आपकी कंट्री में रिसोर्सेज थे 100 लोगों के लिए, आपकी कंट्री में रिसोर्सेज थे 100 लोगों के लिए,
लेकिन बाहर से 20 लोग और आ गए, बाहर से 20 लोग और आ गए, तो आपके यहाँ के रिसोर्सेज वो कम पड़ जाएंगे, नहीं पड़ जाएंगे कम पड़ जाएंगे। अब कम पड़ जाएंगे तो क्या आप अपने यहाँ के लोगों को भूखा रहने दोगे? नहीं, आप अपने यहाँ के लोगों को प्रेशर डालोगे कि अब ऐसा है 20 लोग बढ़ने वाले, तो 20 लोगों के लिए रिसोर्सेज और प्रोड्यूस करो, 20 लोगों के लिए रिसोर्सेज और ज़्यादा बनाओ। तो एक तरह का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एक तरह का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा रिसोर्सेज को क्रिएट करने का, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम ये हो सकती है सोशल प्रेशर, दूसरा ब्रेकडाउन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। सर एक तो है, एक तो बेनिफिट तो ये था कल्चरल डाइवर्सिटी, और उसी का जस्ट अपोजिट क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसके लिए हमारा इंडिया बहुत अच्छा है, इसके लिए हमारा इंडिया बहुत अच्छा है, मतलब इंडिया अच्छा क्या, एग्जाम्पल अच्छा है। हम अपने इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोगों ने बाहर से बहुत कुछ सीखा भी, और बाहर की बहुत चीज़ें, और बाहर की वजह से अपने यहाँ की चीज़ें खोई भी। बाहर के लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, ठीक है, सपोज करो इंडिया में लोग आते हैं यूएई अमेरिका के, ठीक है, तो यानी इंडिया के हमारे इंडिया के क्या हो गए, हमारी डेस्टिनेशन कंट्री हो गई, तो हमारे इंडिया को क्या डिसएडवांटेजेस चीज़ का। बाहर के लोग आते हैं, ठीक है, तो बाहर के लोग आते हैं तो बाहर के लोगों के से हम देखते हैं कि बाहर के लोग जब आते हैं ना, चाहे उनके सामने छोटा इंसान हो, उनके सामने बड़ा इंसान हो, अगर वो बड़ा इंसान ही होता है तो उनसे वो कैसे बात करते हैं, मिस्टर करके, कोई सर जी वगैरह कोई रेस्पेक्टेड वाला वर्ड तो होता ही नहीं है, वो कैसे बात करते हैं मिस्टर, वो कैसे बात करते हैं मिस्टर लगा कर। जैसे हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है, इंडिया का कल्चर कैसा है कि अगर कोई बड़ा इंसान तो बड़े इंसान को रेस्पेक्ट के साथ है बात करें, उनका नाम भी नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, सिंपल सा मिस्टर लगाए ना, क्या उनका नाम ले दिया, सिंपल सा मिस्टर लगाया उनका नाम ले दिया। तो हमारे यहाँ का कल्चर तो ये कहता नहीं है, लेकिन उनके यहाँ का कल्चर कैसा है कि तो सीधा बड़े इंसान हो या छोटे इंसान हो, उसका सीधा नाम लेके बात करते हैं। और कुछ लोग, अब हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, ये चीज़ सीखते हैं, ये चीज़ सीखना चाहिए क्या, ये तो गलत चीज़ है ना, ये तो गलत तरीका है बात करने का, लोग सीख रहे हैं, तो हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर ब्रेकडाउन हो रहा है, हमारा कल्चर खराब हो रहा है। वो लोग आते हैं, वो लोग बड़े लोगों के पैर ही नहीं छूते, वो तो सीधे हाथ मिलाते हैं, चाहे इंसान छोटा हो चाहे इंसान बड़ा हो, वो सीधे हाथ मिलाते हैं। जबकि हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है कि अगर हम किसी बड़े इंसान से मिलते तो हम उनके पैर छूते हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ के इंसान उनसे क्या सीखे कि हम तो पैर छूएंगे नहीं, तो केवल हाथ मिलाएंगे। तो हम अपना कल्चर, जो हमारा पुराना कल्चर था, कि हम उसको ख़राब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हाँ कल्चर ख़राब होता है, कल्चर ख़राब होता है। एग्जाम्पल हमारे यहाँ की लड़कियाँ सूट वगैरह पहन, लोगों की वैसा बुक शॉर्ट, लोगों की वैसा बुक शॉर्ट, लोगों की वैसा बुक शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, तो कल्चर ख़राब हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, तो ये भी क्या डिसएडवांटेज है। दूसरा डिजीज, दूसरा डिजीज कोविड-19 ले लो, इंडिया में थोड़ी ये वायरस बना था, चाइना में बना था। अब चाइना के लोग इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं, चाइना के लोग ट्रैवल करते रहते हैं, चाइना के लोग इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं और इधर उधर बीमारियाँ लेके जा रहे हैं। तो सपोज करो चाइना से एक पर्सन आया इंडिया में और बीमारी ले आया, तो डिजीज फैला रहा, नहीं फैला रहा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है या नहीं है इंडिया के लिए, डेस्टिनेशन कंट्री के लिए, तो ये भी एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, पढ़ते हैं जरा। रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, हो रही है। डिसएडवांटेज मतलब जॉब लॉस, जॉब लॉस मतलब क्या, लोकल ऑफन लूज जॉब, लोकल मतलब क्या, वहीं के रहने वाले लोकल्स, तो लोकल मतलब क्या, आप अमेरिका में हो, अमेरिका के रहने वाले लोग, आपके यहाँ पे मैक्सिकन लोग आ गए, तो मैक्सिकन लोगों को जॉब मिल गई, आपको मिल नहीं पा रही है, तो आपकी जो खुद की जॉब है लोकल जॉब, तो लोकल के जो लोग होते हैं आसपास के, उन लोगों की जॉब चली जाती है ना, लूज जॉब्स टू इनकमिंग वर्कर्स, और नए लोग आ जाते हैं उनकी वजह से। दस इमिग्रेंट्स में कॉज प्रेशर ऑन जॉब इशूज, तो इस वजह से जॉब इशूज अराइज हो जाते हैं, जॉब इशूज अराइज हो जाते हैं। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म। यहाँ पर देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि साउथ अफ्रीका लोगों पर एक्सप्लोटेशन होता है बाय अमेरिकन, तो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इंडियन वर्कर्स का दुबई में कैसे एक्सप्लोटेशन होता है। इमिग्रेंट्स कैन इंक्रीज रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन द कंट्री, को कह रहा है इमिग्रेंट्स की वजह से क्या हो सकता है, रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ सकता है किसी भी कंट्री में। क्यों? पहला तो वो दे कैन नॉट स्पीक लोकल लैंग्वेज। एक तो अगर इंडिया के लोग यूएस में जाते हैं या यूएस के लोग इंडिया में आते हैं, तो हम क्या वहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ईजिली बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। क्या वो लोग हमारे यहाँ की हिंदी इजिली बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो प्रॉब्लम होती है, एंड ऑफन फाइंड देमसेल्व नॉट एक्सेप्टेड इन फॉरेन कम्युनिटीज, और कभी कभी हम लोग उनमें नहीं घुल मिल पाते। तो इंडिया के लोग मोस्टली क्या होते हैं, वेजिटेरियन, वहाँ के लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वहाँ पे आपको वेज खाने नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे घुल मिल के रह भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं।
सोशल प्रेशर, प्राइसेस ऑफ सर्टेन एमिनिटीज सच एज हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा में इंक्रीज ड्यू टू प्रेशर एक्सेसिव डिमांड बाय मोर पीपल देन इट इज डिजाइन टू टेक। यहाँ पे जो लिखा है बहुत खतरनाक लिखा हुआ है। मैंने आपको समझाया था कि आपके यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो केवल 100 लोगों के थे, अब 20 लोग और बढ़ गए, 20 लोग और बढ़ गए, 20 लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए आप क्या करोगे? या तो आप कहोगे कि 20 लोगों के लिए नया नए नए चीज़ बनाओगे, या फिर आप कहोगे कि उन 20 लोगों के लिए डिमांड कम ही कर दिया। सर डिमांड कैसे कम करोगे? आप उन 20 लोगों से बोलो कि चीज़ें महंगी हैं तो वो खरीदेंगे, तो वो खरीदेंगे। तो या तो आप कुछ चीज़ों के प्राइसेस बढ़ा दोगे, प्राइसेस बढ़ा दोगे, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, नई चीज़ें बनाना स्टार्ट करोगे। दिस रिजल्ट इन हार्ड सेल टू ऑल, इससे सबों को परेशानी होगी, इससे सभी को प्रॉब्लम होगी। अगर आप प्राइसेस बढ़ा दोगे तो किसी एक के लिए प्राइस नहीं बढ़ाओगे, आप सभी के लिए प्राइसेस बढ़ाओगे ना, तो इससे सबों को प्रॉब्लम होगी। क्या सबों को प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं, तो सबों को प्रॉब्लम होगी। ब्रेकडाउन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन ड्यू टू डाइवर्सिटी, ट्रेडिशन कल्चर आर नेगेटिवली मॉडिफाइड। सर डाइवर्सिटी ट्रेडिशन की वजह से, कल्चर्स की वजह से क्या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? डिफरेंट पीपल आर एक्सपोज टू डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें करने को मिलती हैं। कुछ लोग अच्छी चीज़ें सीखते हैं, कुछ लोग गलत चीज़ें सीखते हैं। समटाइम्स न्यू क्राइम्स में ऑल्सो एमर्ज, कभी कभी हम नए नए क्राइम सीख जाते हैं। तो यहाँ पर तो आपके बुक में कुछ ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल दिया भी नहीं है, जो मैंने आपको समझाया वो ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल थे। डिजीज एज पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर इज अ रिस्क ऑफ आउटब्रेक ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज। सर जो क्या कहते हैं, वैसे डिजीज होती है ना, क्या कहते हैं, जो घूमने से घूमने फिर से फैलती हैं, वैसे जो डिजीज होती हैं उनके फैलने का खतरा रहता है। ठीक है, अभी तो सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, ये किसके थे? डेस्टिनेशन कंट्री के, किसके? डेस्टिनेशन कंट्री के। लेकिन डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ पर आप जा रहे हो उनके है ना, उनको थे। लेकिन आप जिस कंट्री को छोड़कर जा रहे हो उस कंट्री को कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी तो होगा। होम कंट्री जहाँ पर आप पहले रहते थे, होम स्वीट होम जहाँ पर आप पहले रहते थे, अब आप उसको छोड़कर जा रहे हो, उसको कुछ डिसएडवांटेज होगा नहीं होगा? आपके जाने से उसको खुशी होगी या दुखी होगी? आपको आपके जाने से उसको खुशी होगी या दुख होगा? खुशी होगी। अच्छा, कैसे खुशी होगी? रेमिटेंस, पहले रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब क्या होता है? पैसा वापस भेजना। रेमिटेंस मतलब क्या होता है? पैसा वापस भेजना। आपको पता है दुनिया में सिस्टम चलता है कि आपके पास फॉरेन का जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग माने होगे। आप इंडिया में रहते हो लेकिन आपके पास इंडियन नहीं, आपके पास डॉलर करेंसी है, आपके पास अमेरिकन करेंसी है, तो आपको स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो अगर हमारे यहाँ का कोई इंसान यूएस जाता है हमारे यहाँ का इंसान हमें छोड़कर यूएस जाता है, तो उसे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, उसे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा? उसे हमें ये एडवांटेज मिलेगा कि वो वहाँ पर यूएस में, वो अब वहाँ पर किस में कमाएगा? डॉलर्स में कमाएगा, रुपीज़ में कमाएगा, तो वो डॉलर्स की करेंसी में कमाएगा। और डॉलर्स की करेंसी में कमाएगा, अब वो तो अकेला गया ना काम करने, अब उसके घर वाले तो यहाँ पर रहते ही हैं, तो घर वाले यहाँ पर रहते हैं, उनके ध्यान रखने के लिए वो यहाँ पर पैसे भेजेगा। तो वो यहाँ पर पैसे कैसे भेजेगा? रुपीज़ में भेजेगा, डॉलर्स में भेजेगा? सर डॉलर कमा रहा, डॉलर में भेजेगा। तो हमारी कंट्री के पास क्या है? डॉलर। हमारी कंट्री के पास क्या है? डॉलर। तो एक ये बेनिफिट है कि हमारे पास क्या होता है, डॉलर्स वगैरह फ्यूचर करेंसी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, हमारा फॉरेन करेंसी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। दूसरा, फॉरेन डिमांड फॉर होम ग्रुप्स, होम गुड्स। पहला बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट क्या होता है? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल्स, लोकल्स। सर हमारे पास जॉब कम थी, हमारे पास रह रहे थे 100 लोग, हमारे पास जॉब थे 80 लोग, 80 लोगों के लिए केवल, तो 20 लोग बेचारे अनएम्प्लॉयड थे, तो 20 लोग चले गए, वो 20 लोग चले गए, हाँ सुकून टर्म मिला, 20 लोग चले गए ना, यानी 80 लोग हैं और 80 जॉब है, सारे 80 लोग इजीली अब जॉब कर पाएंगे, तो लोकल लोगों के लिए जॉब बच गई। पहले लोग लड़ रहे थे, पहले 100 लोग आपस में लड़ रहे थे 80 जॉब के लिए, 20 लोग तो बेचारे मर ही गए थे बेचारे, अब 20 लोग चले गए, आपकी दिक्कत नहीं है, 100 को आपकी उनकी जॉब मिल जाएगी। दूसरा, नॉलेज एंड स्किल्सफुल, नॉलेज एंड स्किल्सफुल। ये बेनिफिट कैसे हैं? ये बेनिफिट ऐसे हैं कि मैंने आपको इमिग्रेशन का मीनिंग बताया, इमिग्रेशन मुझे पता है, हमेशा के लिए जाना, थोड़े टाइम के लिए जाना, थोड़े टाइम के लिए जाना, जिसको हम लोग माइग्रेंट्स बोलते हैं, है ना, ऐसे जाने लोगों को हम बोलते माइग्रेंट्स। तो माइग्रेंट जनरली क्या होता है, हमेशा के लिए नहीं जाते, वो शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं, माइग्रेंट्स जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं, माइग्रेंट्स, है ना। तो माइग्रेंट शॉर्ट टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ, वो यूएस जा रहे हैं, वो अमेरिका जा रहे हैं, सब वो वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर वो कुछ नया सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, ऑब्वियसली सीखेंगे। अब सपोज करो वो लोग सीख चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, अब वो 20 साल बाद 30 साल बाद वापस आ गए इंडिया, वो वापस आ गए, वापस इंडिया आ गए, होम बैक होम, ठीक है, वापस आ गए।
तो सर वो वापस आ गए, तो वापस आके वो क्या करेंगे सर, जो वहाँ पे यूएस में जो सीखे थे, जो सीखे थे, तो वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट, वो अपने इंडिया में भी यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे उन आइडियाज़ को? करेंगे, तो हमारे यहाँ पे नई नॉलेज, नए स्किल का फ्लो होगा, हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री को नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये एक एडवांटेज है। पढ़ते हैं एक और, जनरली माइग्रेंट सेंड अ लॉट ऑफ मनी टू देयर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, रिजाइडिंग इन होम कंट्री, जो कि कहाँ रहती हैं, होम कंट्री में रहती हैं। दिस मैसिव फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, दिस मैसिव फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब करेंसी है ना, फॉरेन मनी लिख लेना आप इसको पूरे तो, है ना, फॉरेन मनी इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द होम कंट्री। तो ये होम कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल है, ठीक है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल, एज मैनी पीपल एमिग्रेट, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, दे आर मोर जॉब्स अवेलेबल ऑन द लोकल जॉब पीपल। अब जैसे बाहर लोग चले गए तो लोकल लोगों के लिए जॉब्स बहुत सारे बच गए, देर आर मोर जॉब्स अवेलेबल ऑन द लोकल पीपल, दस देर इज लेस प्रेशर फॉर जॉब, अब जॉब्स के सेक्टर में कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, एंड पीपल आर मोर लाइकली टू फाइंड सम वर्क, हर एक इंसान को इजीली कोई ना कोई काम करने के लिए मिल जाता है। पहले तो लोग ही भीड़ भाड़ में घूमते रहते, घूमते रहते थे। नॉलेज एंड स्किल्स से फ्लो इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म और सीजनल माइग्रेशन, देखो ना, शॉर्ट टर्म और सीजन, शॉर्ट टर्म और सीजन मतलब क्या, कि कुछ टाइम के लिए गया तो वापस आएगा ही आएगा ना, कुछ टाइम के लिए गया वापस तो आएगा ही आएगा, हमेशा के लिए नहीं गया, ठीक है। इन केस शॉर्ट टर्म और सीजनल माइग्रेशन, माइग्रेंट्स ऑफन ब्रिंग इन न्यू आइडियाज, माइग्रेशन माइग्रेंट्स होते हैं, माइग्रेंट्स हमेशा क्या करते हैं, नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, ठीक है। न्यू आइडियाज, स्किल्स, नॉलेज दैट यू हैव एक्वायर्ड इन ट्रैवल, जो कि मैंने सीखा है, जैसे दे आर एबल टू सेट अप बिजनेस एंड इकोनॉमिक वेंचर्स, तो क्वालिटी वाला कंटिन्यू नहीं लिखा इसमें, ये छोड़ो। और इसलिए क्या कह रहा है, अब इस तरह से आप क्या पढ़ पाओगे, हमारी कंट्री के नए नए बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, नए वेंचर स्टार्ट कर पाओगे, वेंचर्स में होता है बिजनेस ही होता है एक तरह से, है ना, रिस्क लेने वाला बिजनेस, है ना। सर आपके होम कंट्री को डिसाइड, वो एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस होते हैं, हमारे यहाँ से दुखी होता है उनको, हाँ होता है, आपके यहाँ से खुशी तो होती है उनको, लेकिन दुखी बहुत होता है। क्या क्या दुख होता है, लॉस ऑफ स्किल्ड लेबर, सर उनके यहाँ के पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं, उनके यहाँ के पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं, गवर्नमेंट ने डोनेशन देते हैं उनको पढ़ाने के लिए, वो लोग पढ़ के यहाँ चले गए, वो लोग पढ़ कर यहाँ से चले गए, तो गलत हुआ। दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट, ये तो बहुत बड़ा डर है, ये तो दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्री, ऑन द कंट्रीज, मैनी यंग ग्रेजुएट्स लाइक डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, वो कह रहे हैं ये तो काफ़ी, तो बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन इन वो क्या कहते हैं इन पर, यंगर्स पर, यंग ग्रेजुएट्स पर, जो यंगर यंग स्टूडेंट्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उन पर तो बहुत प्रभाव पड़ता है। ज़रा क्या कि वो लोग ना शिफ्ट होना चाहते हैं, वो लोग क्या जो डॉक्टर भी कर रहे होते हैं, नर्स कर रहे, इंजीनियर कर रहे होते हैं, उनको प्रैक्टिस करनी होती है, काम सीखना होता है, तो कभी कभी क्या करते हैं बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। दिस पीपल्स ऑफर ऑफर देर सर्विस टू द अदर कंट्रीज टू द होम कंट्री, और अब ये काम फिक्स आते हैं, हमें सर्विस भी नहीं दे रहे, सर्विस दे रहे तो बाहर US वालों को क्या फ़ायदा है, तो आपको तो नुकसान ही हो गया, आपकी कंट्री के लिए आपकी कंट्री को नुकसान ही हो गया ना। फॉरेन डिमांड फॉर होम गुड्स, एज मोर एंड मोर पीपल माइग्रेट द पॉपुलेशन माइट डिक्रीज, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं, डिमांड कम हो जाएगी, वो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, पॉपुलेशन कम होने का मतलब लोग कम हो जाएंगे, लोग कम हो जाएंगे इसका मतलब क्या, वो चीज़ें कम खाएंगे, चीज़ें कम खाएंगे तो चीज़ें कम बनेंगी, और चीज़ें कम बनेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो भी लिखा हुआ है एज मोर एंड मोर पीपल माइग्रेट द पॉपुलेशन माइट डिक्रीज, पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी और उसकी वजह से पॉपुलेशन की वजह से जो डिमांड होगी वो भी कम हो जाएगी, तो फिर डिमांड कम हो जाएगी नीचे दिखा नहीं है, डिमांड कम होने की वजह से क्या होगा, आपकी इकॉनमी भी स्लो हो जाएगी, आपकी इकॉनमी भी नीचे चली जाएगी, सोशल इम्पैक्ट पड़ता है सर इससे। व्हेन पेरेंट्स हैव चिल्ड्रन, व्हेन पेरेंट्स लीव चिल्ड्रेन अदर डिपेंडेंट सफर द मोस्ट, वो कह रहे हैं जब पेरेंट्स चले जाते हैं, पेरेंट्स छोड़ के चले जाए, पेरेंट्स किसकी याद कर रहे हैं, तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों को काफ़ी चिल्ड्रन होती है, वो टेंशन होती है। मैनी चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू सोशल वाइसेस, वाइसेस यहाँ मतलब यहाँ पर बुराइयों से है, ठीक है सर, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स को फेस किए हैं। मैनी चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू सोशल वाइसेस बिसाइड्स दिस, एल्डर पीपल डू नॉट गेट प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, और जो बड़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था उनके यंगर स्टूडेंट, यंगर चिल्ड्रन से, ठीक है। माइग्रेशन में परमानेंट और टेम्प्रेरी, आप वही बता रहे कि माइग्रेशन आप लॉन्ग टाइम के लिए भी कर सकते हो, शॉर्ट टाइम के लिए भी कर सकते हो, लॉन्ग टाइम मतलब हमेशा के लिए कर सकते हो, तो उसको भी परमानेंट,
कुछ टाइम के लिए करोगे तो आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म। कितना टाइम के लिए करोगे? सॉरी, थोड़े टाइम के लिए, तो शॉर्ट टर्म मैं है ना, माइग्रेशन ये परमानेंट और टेम्प्रेरी। परमानेंट मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, टेम्प्रेरी मतलब शॉर्ट शॉर्ट टाइम के लिए। यानी कैसा परमानेंट माइग्रेशन है माइसा के लिए, अगर आप करना चाहते हो माइग्रेशन डू नॉट रिटर्न टू ओरिजिनल प्लेस, तो सब माइग्रेंट वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा क्योंकि उसने हमेशा के लिए शिफ्ट कर लिया है। वेदर इन केस ऑफ टेम्प्रेरी माइग्रेशन, लेकिन टेम्प्रेरी माइग्रेशन के केस में पर्सन रिटर्न टू द होम कंट्री। पर्सन तो सर कुछ टाइम के लिए बाहर गया है ना, तो लौट कर तो आएगा ही आएगा वापस, तो वो वापस आ जाता है, तो वापस आ जाता है। डिसएडवांटेज तो ऐसे यहीं तक हो गए, ठीक है, डिसएडवांटेजेस हो गए आपके। जैसे उन्होंने अलग ही टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट कर डाला, एक रास्ता आपको उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर डाला। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं माइग्रेशन इज अ यूनिवर्सल फेनोमेनन। नहीं, हम कहीं तो और क्या ये रहा, टेम्प्ररी माइग्रेशन इज अ कॉमन पैटर्न। टेम्प्ररी माइग्रेशन इज द कॉमन पैटर्न, वो कह रहे हैं टेम्प्ररी माइग्रेशन होना तो कॉमन बात है, तो कॉमन बात है यूरोप में तो होता रहता है, होता रहता है। वर्कर्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ सदर्न यूरोप, सर जो साउथ सदर्न यूरोप है वहाँ से लोग, क्या वहाँ के जो वर्कर्स हैं ना, नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हैं, तुर्की के जो लोग हैं, वो माइग्रेट करते रहते हैं फॉर द पीरियड फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप एक सर्टेन टाइम के लिए। कुछ सर्टेन टाइम के लिए वो क्या करते हैं, नॉर्दर्न यूरोप से जाते आते जाते रहते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स। किसके लिए? इन सर्च ऑफ जॉब्स, जॉब्स के लिए जाते हैं। आफ्टर सम टाइम दे कम बैक टू देयर होम कंट्री बिकॉज ऑफ देयर लॉस क्लोज टाइज। क्लोज टाइज मतलब कि उनके रिलेशन है ना, और कुछ टाइम बाद सर वो काम कर करा के वहाँ से, जॉब कर करा के वहाँ से, थोड़ा बहुत पैसा अर्न करके वहाँ पे वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। मैनी पीपल माइग्रेट वॉलेंटरली, दूसरों को अपने मन से आते हैं अपनी इच्छा से, फॉर इकोनॉमिक रीजन। सर कुछ इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन फ्रॉम इंग्लिश कंट्री साइड टू सिटीज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन दी 18th एंड 19th सेंचुरी वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर वर मोर जॉब्स इन द इंडस्ट्रियल सेंटर। वो कह रहे हैं कुछ कुछ इंग्लिश कंट्री साइड है, इंग्लिश कंट्री साइड मतलब क्या, इंग्लिश बोली जाने वाली कंट्रीज के लोग, एक बार की बात है कि इंग्लिश बोली जाने वाली जगह के लोगों ने सिटीज़ में, इन्होंने इंग्लिश बोली जाने वाले गांव के लोगों ने सिटीज़ में जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब कि जहाँ पर अभी इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पर बिजनेस होना स्टार्ट हो रहा था, इसलिए वहाँ पर माइग्रेशन करना स्टार्ट किया था। ठीक है, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको वहाँ पर जॉब मिलेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको वहाँ पर क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। तो उन्होंने अपनी मर्जी से पहले ही क्या कर लिया, माइग्रेट कर लिया, माइग्रेशन कर लिया। ठीक है, द यूएस इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। वो कह रहे यूएस तो क्या इमिग्रेंट्स की कंट्री है, क्यों यहाँ पर कोई ना कोई आते ही रहता है, यहाँ पर कोई ना कोई आते ही रहता है। आपका भी ड्रीम हो सकता है, आपके किसी दोस्तों का ड्रीम हो सकता है, आपके भाई का ड्रीम हो सकता है, घर में किसी एक का ड्रीम हो सकता है कि एक बार तो यूएस जाना ही जाना है। होता है, लोगों का सपना होता है कि एक बार तो यूएस जाना ही जाना है, होता ही होता है। आपका भी हो सकता है, हो सकता नहीं भी हो, पर जनरल लोगों का होता है। ठीक है, तो यूएस इसलिए इसलिए यूएस को क्या कहा जाता है, कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हम हर बार मतलब लोग आते जाते रहते हैं, लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप ब्रॉट 41 मिलियन पीपल टू नॉर्थ अमेरिका। वो कह रहे हैं 19th 20th सेंचुरी यानी 200 सालों के अंदर यूरोप से लगभग 41 मिलियन पीपल नॉर्थ अमेरिका है। 41 मिलियन का मतलब क्या है, 4 करोड़ 10 लाख लोग, 4 करोड़ 10 लाख पीपल। ठीक है, और इसका मेन रीजन क्या था, द मेन रीजन बिहाइंड इट वाज द इकोनॉमिक डिप्रेशन। सिंपल सा इसका एक रीजन ये था कि उनकी कंट्रीज में, उनकी कंट्रीज जो थी ना वो ग्रो नहीं कर रही थी। इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब कंट्री ग्रो नहीं कर रही थी, तब तो, लेकिन यूएस ग्रो कर रहा था, तब तो यूएस आ गए, तब तो यूएस आ गए। एट फर्स्ट दीज माइग्रेंट्स वर अलाउड एज द होल कॉन्टिनेंट वॉज टू बी ओपन्ड अप। तो स्टार्टिंग में तो इन माइग्रेंट्स के लिए, इन माइग्रेंट्स के लिए पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट ओपन छोड़ दिया कि आप कहीं भी आओ, कहीं पे भी रहो। बट लेटर लेकिन बाद में यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो रिस्ट्रिक्ट करनी इमिग्रेशन, लोगों ने माइग्रेट करना। 2 सेकंड रुको, आते कुछ मैसेज आए हैं। आई हैव सम प्रॉब्लम इन लैंग्वेज, देखेंगे जब आप लाइव क्लास लोगे तभी डाउट क्लियर हो पाएंगे आपके। बट लेटर द यूएस गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिस्ट्रिक्ट फ्री इमिग्रेशन इन द 20th सेंचुरी, मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट्स वर फ्रॉम लैटिन अमेरिका। ठीक है, वो कह रहा है कुछ मतलब वो बता रहा है कि स्टार्टिंग में तो यूएस में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, आपको कितने भी लोग कहीं भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में यूएस गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए फ्री इमिग्रेशन पर। और 20th सेंचुरी में क्या क्या उन्होंने क्या कहा था,
मोस्ट ऑफ माइग्रेंट्स वर फ्रॉम लैटिन अमेरिका, वो कह रहे ज़्यादातर जो माइग्रेंट्स थे वो कहाँ से थे, लैटिन अमेरिका से थे, मेक्सिको से थे। मैंने एंटर द कंट्री लीगली, सारे के सारे लोगों ना छुपके से आए थे, चोरी छुपे चोरी छुपे आए थे, यानी रूल्स को फॉलो करके नहीं आए थे। दिखाई दे रहा है कैसे बॉर्डर को क्रॉस करके आ रहे हैं, सीधे सीधे गेट से नहीं आ रहे, कैसे बॉर्डर को क्रॉस करके आ रहे हैं, लॉक लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, फिर भी आ रहे हैं, बिना रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अ वास्ट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है, और छोटी मतलब फेयर भी कंट्री है, और तो एनकरेज द इमिग्रेशन ऑफ यूरोपियंस ओनली। ऑस्ट्रेलिया से बड़ी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी कंट्री में उन्होंने पता क्या कर रखा है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो लोग आएंगे ना वो केवल यूरोपियंस आएंगे, केवल यूरोप के लोग ही आएंगे, एशियंस नहीं आ सकते, एशियंस नहीं आ सकते। ड्यूरिंग द 1970s यानी उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे अब तो जा सकते हो, वो तब की बात कर रहे, स्टार्टिंग की बात है ना, जब ज़्यादातर लोग इधर उधर जाते रहते थे। ड्यूरिंग द 1970s ऑस्ट्रेलिया ऑफर्ड अ होम टू मेनी रेफ्यूजीज, तो 1970s के टाइम पे तो ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी लोगों को घर भी देते हैं, जो लोग बाहर से आए थे उन लोगों को, जो कि कहाँ से थे, साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। ऑस्ट्रेलिया इज अंडर पॉपुलेटेड कंट्री, वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कैसी कंट्री है, वो एक अंडर पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे लोग कम है, रिसोर्स इनके पास ज़्यादा है पर लोग कम है, एंड सॉर्ट ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑफ स्किल्ड लेबर, यहाँ पे स्किल्ड लोग भी कम है, यहाँ पे स्किल्ड लोग भी क्या है, कम है। रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल आर नॉट अलाउड, सर कभी कभी वर्ल्ड में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर पीपल आर नॉट अलाउड टू एमिग्रेट, कुछ लोग वहाँ पर नहीं आ सकते, दूसरी कंट्री को नहीं आ सकते ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन से दूसरे को नहीं आ सकते, एज वॉज इन द केस ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन, जैसा कि पहले रशिया में ऐसा सिस्टम होता था। रशिया क्या है, रशिया था सोवियत यूनियन के पार्ट, सोवियत यूनियन क्या होता था, सोवियत यूनियन एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, उन सारे कंट्रीज को मिलाकर बुलाता था सोवियत यूनियन। तो सर वो सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो थी ना, ग्रुप ऑफ कंट्रीज नहीं देखा ना, कम्युनिटीज कंट्रीज यानी ग्रुप ऑफ कंट्रीज, वो जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी ना वो लोग अलाउ नहीं करते थे, वो लोग अलाउ नहीं करते थे कि हम कहेंगे नहीं हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे मतलब कुछ भी से लिखा हुआ है, इट मे बी ऑल्सो फॉर अ इकोनॉमिक रीजन, सर ये हो सकता है कुछ पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, कुछ इकोनॉमिकल रीजन, जैसे कि एज हैज बीन केस ऑफ पाकिस्तान, सर पाकिस्तान में नहीं आ सकते, सर क्यों नहीं आ सकते, पाकिस्तान में भी ऐसे लिमिट लगा रखी है, देयर पीपल इन सर्टेन प्रोफेशन वर नॉट अलाउड टू लीव द कंट्री, सर पाकिस्तान ने तो बोला है कि कुछ तरह के लोग हैं जो आप कंट्री छोड़ ही नहीं सकते, सर क्यों नहीं छोड़ सकते, उनके यहाँ पे लोग है ही कम, सपोज को डॉक्टर, सपोज को पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान छोड़ो कोई भी कंट्री, एक कंट्री है वहाँ पर गिने चुने 5 डॉक्टर हैं, और 5 ही डॉक्टर चले गए तो उस कंट्री में, फिर उन कंट्री के लोगों का ट्रीटमेंट कौन करेगा, बताओ कौन करेगा, और तलाव करने से 5 डॉक्टरों को भर देना नहीं ना, तो फिर वो उस कंट्री के लोगों का ट्रीटमेंट कौन करेगा, तो 5 लोगों को रोकना चाहिए। तो इस तरह से कुछ लिमिटेशन लगा दिए जाते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। फिर कह रहे हैं माइग्रेशन इज अ यूनिवर्सल फेनोमेन, माइग्रेशन इज अ यूनिवर्सल फेनोमेन, माइग्रेशन का एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, फेनोमेन का मतलब क्या, एक्टिविटी जो होती रहती है पूरी दुनिया में होती रहती है। इन 1947 की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम टू पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, 1947 में भी बहुत सारे मुसलमानों ने माइग्रेट किया था इंडिया, वेल हिंदूज एंड सिख्स केम इनटू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, और हिंदू और सिख पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स टू माइग्रेशन, ये सर लेकिन सर एग्जाम्पल ऑफ फोर्स टू माइग्रेशन, फोर्स मतलब मजबूर किया गया था मुसलमानों ने, मजबूर किया था, भगाकर हमें डराकर भगा दिया था कि तुम हिंदू हो तुम तो हिंदुओं की कंट्रियों में ही जाओ, तुम इंडिया में ही जाओ, यहाँ पे हिंदू नहीं रहेंगे। ठीक है, बिसाइड दिस रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया टेक्स प्लेस ड्यू टू वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज मैरिज, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लेबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा, वो कह रहा है ये सब चीज़ें छोड़ो, अब बात करें रूरल अर्बन माइग्रेशन की, तो वो कह रहा है रूरल अर्बन माइग्रेशन जो होता है ना, रूरल अर्बन माइग्रेशन मतलब क्या, गाँव के लोग शहर में आते हैं, तो गाँव के लोग शहर में आते हैं इसके काफ़ी रीजन हो सकते हैं, सर हो सकता है गाँव के लोग शहर में शादी करने के लिए आ रही हूँ, उन्हें जो लड़की पसंद आई है, लड़का पसंद आया, वो शहर का रहने वाला हो तो हो सकता है सर वो शहर में आ जाए, हो सकता है एम्प्लॉयमेंट जॉब के लिए वो शहर आ जाए, हो सकता है पढ़ाई के लिए वो जॉब आ जाए शहर आ जाए, हो सकता है गांव में उनको डर लगता हो तो वो शहर आ जाए, कोई भी रीज़न हो सकता है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इन द वर्ल्ड, वो कह रहे हैं इंडिया में जो इमिग्रेंट्स है ना वो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स वो हो जाते हैं, सर इमिग्रेंट्स मतलब क्या, आने वाले लोग जाने वाले लोग,
इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, इंडिया में ही ऐसे सबसे ज़्यादा लोग हैं इंडिया को छोड़ के जाते रहते हैं, तो इंडिया पसंद ही नहीं है किसी को, सब इंडिया को छोड़ के भागते रहते हैं। इंडियन सब जैसे कि अगर आप नॉर्थ की बात करो, नॉर्थ में पंजाबी हैं, वो सारे कहाँ भागते हैं, कैनेडा। ठीक है, सेंटर के जो लोग बचे हैं मिडिल के, इन लोगों का सपना क्या होता है कि रशिया जाएं, यूएस जाएं। ठीक है, तो सारे लोग भागने की सोचते रहते हैं, इंडिया में कोई रुकना नहीं चाहता। इंडियंस हैव माइग्रेटेड टिपिकल टू वर्क इन हायर पेड जॉब्स एब्रॉड। तो इंडियंस क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, हायर पेड जॉब। इंडिया में अगर आपको एज ए इंजीनियर 1 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं पर मंथ, तो बाहर हो सकता है आपको 4 लाख रुपीज़ मिले, 5 लाख रुपीज़ मिले। आपको स्टडी पढ़ने के लिए जा सकते हो, हाईएस्ट पेड जॉब के लिए जा सकते हो। फॉर सेंचुरीज इंडियंस हैव बीन इमर्जिंग टू द वेरियस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं बहुत सारे सालों में, सेंचुरी मतलब के हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में इंडियंस ना, इंडियंस हैव बीन एमिग्रेटिंग टू वेरियस कंट्रीज। इंडियंस तो फैल चुके हैं पूरी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फैल चुके हैं। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं मिलेगी जो इंडियन ना हो, हर कंट्री में एक इंडियन तो होगा ही होगा। इंडियंस भागते रहते हैं, इंडियंस तो इंडिया में तो रुकते नहीं है। जिसने अच्छे से पैसा कमाया, जिसने अच्छे पैसे घर का मतलब बैकग्राउंड का, वो इंडिया को छोड़कर चला जाता है। और वर्ल्ड में ऐसी भी जगह, ऐसी एक भी जगह नहीं होगी आज के टाइम में जहाँ पर इंडियंस ना हो। ऑलमोस्ट हर ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर पार्ट में एक इंडियंस आपको मिल ही जाएगा। तो कॉमन पैटर्न ऑफ एमिग्रेशन इंफ्लुएंस, दो तरह के पैटर्न होते हैं, मेनली टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, पर्टिकुलरली द यूके, यूएस, कनाडा, यूएसए, डायरेक्ट टू द ऑलमोस्ट कंट्रीज। वो कह रहे हैं दो पैटर्न मतलब क्या, ये पैटर्न मतलब क्या बता रहा है, वो कह रहे हैं दो कॉमन पैटर्न ऑफ एमिग्रेशन, एमिग्रेशन के पैटर्न, एमिग्रेशन के पैटर्न से मतलब क्या है, एमिग्रेशन के पैटर्न का मतलब क्या, आप जा क्यों रहे हो बाहर, आप बाहर जा क्यों रहे हो। तो बेसिकली जो मेन रीजन है, पहला है इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, आप तो आप एक दूसरे वापस इसलिए जा रहे हो क्योंकि वहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, पहले तो आप इंडस्ट्री के वजह से, आप इंडस्ट्री आपको वहाँ पर क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। ठीक है, या फिर आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर ऑयल रिच कंट्रीज है, ऑयल रिच मतलब कि जहाँ पर ऑयल बहुत सस्ता मिलता है, ऑयल रिच से बेस्ट ऐसे कंट्रीज जो हैं। ठीक है, वहाँ पर जाना चाहते हो, तो मेन पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखा क्या रहेगा, ब्रेन ड्रेन, एक टॉपिक रह गया, हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा कवर कर लेंगे।